सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। मैं आज अपने व्यूअर्स के लिए एक नया नेवर गिव अप सीरीज में एक प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप क्या है। और इसको सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं जी कि नेवर गिव अप का मतलब है कि कोई भी शख्स हारा हुआ हो, कोई भी शख्स हारा हुआ है और वो अपनी हार ना माने, कहे जी कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, कुछ दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, मैं कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड नेवर गिव अप। और ये बहुत जरूरी है। इसके लिए देखें, आप लोगों को चाहिए कि जो भी शिकस्त का नशा होता है, इसमें हम आपको सिखाएंगे शिकस्त के नशे से और नाकामी के नशे से हमने कामयाबी, सक्सेस और जॉय की तरफ कैसे जाना है। इसके लिए नेवर गिव अप देखें जी, अगर आप नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो अपने अंदर कुछ आदत अपना लें तो आप चलते फिरते नेवर गिव अप है। उसके लिए देखें, अगर आप नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो आपको हवा में उड़ना सीखना पड़ेगा। नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि दर्द को अपनी ताकत कैसे बनाना है। नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस कबूल करना पड़ेंगे। नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो अपने दिमाग को नौकर के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं लोगों के नेगेटिव रिएक्शन को आपको फेस करना पड़ेगा। आपको नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सेंस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो आपको किसी भी हालात में हमेशा कामयाबी की तरफ लगन के साथ, मेहनत के साथ कहना है कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस। अगर आप देखें सुबह दोपहर शाम जब उठते हैं तो आप 2-3 दफा ये कहें नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, तो देखें आप में ऑटोमेटिक ताकत आ जाएगी। आपकी बॉडी खुद ब खुद इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। कुछ रेज होंगी जो आपकी बॉडी में ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी, पेवस्त हो जाएंगी, आप कहेंगे नेवर गिव अप। आप हर वो नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के लिए आप अपनी बॉडी को खुद कहेंगे काम करना है, मेहनत करनी है, लगन करनी है। तो इस सीरीज में इंशाल्लाह ताला ये हर जितने भी हम आपको बताएंगे, हर सतर, हर लैंग, हर जुमला और हर जितने भी इसमें डायलॉग बोले जाएंगे या आपको चीजें बताई जाएंगी, हर डायलॉग, हर सतर जो है एक अपनी से अलग एक वसत रखती है। इसको बयान करने के लिए अलग से एक टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नेवर गिव अप सीरीज में हम इसको आगे हर लाइन को आगे आगे विद द फ्यूचर आप लोगों को इसको डिटेल से बताएंगे। लेकिन यह है आज की हद तक, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर 8-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं और आगे इसको डिलीवर कर देते हैं। तो इसके लिए देखें, आज हम जो इसको प्रोग्राम चला रहे हैं नेवर गिव अप सीरीज में, इसमें आप लोगों को एक सादा अल्फाज में जो मैं अगर नेवर गिव अप सिखाऊं कि आप अपनी बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी में कैसे ये तब्दीलियां ला सकते हैं। उसके लिए देखें, अगर आप किसी भी जख्म को खुरेदते रहेंगे तो वो नासूर बन जाएगा। आपने उसको, अपने किसी भी शिकस्त को नासूर नहीं बनने देना, आपने सिर्फ उससे सीखना है और आगे मूव कर जाना है और अपनी तरक्की की तरफ चले जाना है और नामुमकिनात को मुमकिनात में कन्वर्ट करना है, आपने सिर्फ ये सोचना है। इसलिए देखें, जो भी आपकी दर्द है, आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी वीकर साइड है, उसको आपने अपनी पावर साइड बनाना है। जब भी कोई इंसान, लोगों को पता चल जाए ना कि आपकी ये साइड वीकर है, तो बड़ी ताकत के साथ ऐसे हमला करते हैं, हमला करके इसी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसी को डैमेज करेंगे, इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए। और यही वीकर पॉइंट अगर आप अपनी ताकत पावर साइड बना देंगे तो आप यहीं से कामयाब हो जाएंगे। तो याद रखें, अपनी वीकर साइड को हमेशा पावर साइड बनाएं आप, क्योंकि आपकी वीकर साइड ही आप में ही आपकी कामयाबी का राज होता है और वहीं आप जो है ना वो ड्रा फॉल कर रहे होते हैं। तो याद रखें, अगर आपने कामयाब होना है तो आपको चैलेंजेस कबूल करना पड़ेंगे। अगर आप चैलेंजेस कबूल करेंगे तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल शो होंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो वो इसी वजह से जो शख्स चैलेंजेस कबूल नहीं करता, जो शख्स कहता है कि जनाब बस ठीक है मैं अपनी एवरेज लाइफ गुजार रहा हूं, वो शख्स नाकाम होता है, क्योंकि चैलेंजेस ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। जब आप देखें, कुछ और सिंपल चीजें आपको बता दूं कि आप नेवर गिव अप कैसे सीख सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव पीपल को पॉजिटिव रिएक्शन देंगे तो आप उनकी जितनी बातें और जितनी नेगेटिव सिचुएशन है सब की सब पावरलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यही आपकी कामयाबी का राज है। क्योंकि आप जब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो ये आपकी कामयाबी है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक उसको रिस्पांस कर रही होती है कि नेवर गिव अप, ये चीजें मुझे लेट डाउन करेंगी, मैंने लेट डाउन नहीं होना। तो इन्हीं चीजों को हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने इल्म हासिल करना है, नेवर गिव अप के लिए आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए, उसके लिए आपको इल्म हासिल करना है। जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आप में यकीन आएगा। कैसे यकीन आएगा? कि आपको पता है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ सारा कुछ, तो वो मुझे पता है क्या उसका क्या हाल है, उसका कैसे करना है मैंने। जब आपको यकीन आएगा तो आप में हौसला भी आएगा। जब आप में हौसला आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। जब हौसला आएगा आप सीना ठोक के कहेंगे कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ।
जब आप ये काम करेंगे, जो कह रहा हूं सही कर रहा हूं, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो सही लाइन ऑफ एक्शन है मेरा, तो फिर आप कामयाब है। यही तो कामयाबी का राज है और यही आपने सीखना है। जब आप इलम हासिल करेंगे तो आप नेवर गिव अप सीखेंगे। इसके साथ देखें जी कुछ और सिंपल चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने दिमाग को एज अ सर्वेंट ट्रीट करना है। जब आप अपने दिमाग को एज अ सर्वेंट ट्रीट करेंगे तो आप अपने दिमाग में जब भी कोई नई चीज आएगी ना कि ये मेहनत करनी है, आपका दिमाग कहेगा करो। जब आपका दिमाग को कहा जाएगा कि जनाब ये काम नामुमकिन है, इसको मुमकिन बनाना, तो आपका कहेगा मुमकिन बनाओ। जब आपके दिमाग को कहा जाएगा कि जनाब स्ट्रगल करनी है तो स्ट्रगल करेगा। जब आपके दिमाग को कहा जाएगा कि ये काम आपने सुबह दोपहर शाम हार्ड वर्किंग करनी है तो ये करेगा। ये जब आप इसको सर्वेंट के तौर पर डील करेंगे तो आप कामयाब है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक नेवर गिव अप पोजीशन में, सिचुएशन में बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद नेवर गिव अप में आ जाएगी। और अगर आप इसको एज अ मास्टर ट्रीट करेंगे, योर माइंड इज मास्टर, देन याद रखें ये बहुत डेंजरस है। कैसे डेंजरस है, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम आपको अलग से बताएंगे कि जब आपका दिमाग मास्टर ट्रीट करता है तो आप डैमेजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर आप नेवर गिव अप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और भी चीजें हैं जो बड़ी आसान है, अगर वो भी आप अपनी बॉडी में ले आए तो आप में बड़ी कामयाबी और ताकत आ जाएगी। अगर देखें दुनिया में किसी पर इन्हसार मत करें, अगर आप दुनिया में किसी पर इतना इन्हसार करते हैं तो वो बंदा ही आप उससे उम्मीद लगा लेते हैं और वो बंदा ही आपको नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है देखें, ये जैसे जैसे मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर यहीं पे मेरा शेडो जो पड़ रहा है वो पीछे जाएगा ना, मेरा शेडो, अगर यही शेडो लाइट बंद हो जाए, गहरा साया आ जाए, तो मेरा शेडो भी मेरा साथ छोड़ जाएगा। अगर भाई ये शेडो जब साथ छोड़ जाएगा, मेरा अपना शेडो मेरा साथ छोड़ जाएगा, तो कहां की कामयाबी, कहां की उम्मीदें, कहां की मैं दुनिया के ऊपर आस लगाऊं। इसलिए याद रखें, जो आप हैं, जो आप कर सकते हैं उसी के ऊपर रहें, जो आप हैं जो आप कर सकते हैं उसी पे रहें, उससे आगे आपने नहीं जाना। अगर उससे आगे जाना चाहते हैं तो स्ट्रगल करें, मेहनत करें, लगन करें, हार्ड वर्किंग करें, सुबह दोपहर शाम एक कर दें, देखें मैंने करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, सुबह दोपहर शाम यही काम करें, तो मैं आपको गारंटी करता हूं आप दिनों में क्या, आप दिनों में आगे चले जाएंगे। दुनिया आपको ढूंढती रहेगी, कहां गया, कहां गया, कहां गया, इधर देखेगी, इधर देखेगी, इधर देखेगी, इधर देखेगी, लेकिन क्या होगा कि आप चले गए, आप वो जा रहे हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, आप कामयाबी हो गई आपकी। ये कैसे होगा, नेवर गिव अप की सूरत में होगा। अगर आप नेवर गिव अप सीखेंगे तभी ये होगा। मैं आप लोगों को इसके अलावा और भी चीजें बताना चाहता हूं कि देखें, आपने अपनी जिंदगी में ये सीखना है कि आपने नॉट टू क्विट, आपने क्विट करना सीखना है कि आपने कैसे क्विट नहीं करना। आपने सीखना है कि ये अगर आप किसी भी कंपटीशन में चले गए हैं, किसी भी आप प्रोग्राम में चले गए हैं, तो आपने सीखना है कि आपने क्विट नहीं करना, आपने मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, देखें आप कामयाब होंगे। ये जितनी चीजें हैं देखें, ये बड़ी सिंपल और सादा सी हैं। और ये देखें, ये बड़े बड़े टॉपिक, बड़े बड़े अल्फाज नहीं है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े टॉपिक, बड़े बड़े अल्फाज, ये ऐसे नहीं है, कोई बड़े बड़े जुमले नहीं बोल रहा। इसके लिए एक और सिंपलिसिटी बता दूं आपको, आप अपनी जिंदगी में ये तमाम सहूलतें कैसे ले सकते हैं। देखें अपनी फैमिली, जो हर बंदे की फैमिली है, मियां माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, एक लविंग फैमिली बनाएं, अपनी फैमिली को लविंग बनाएं। जब आप अपने घर में लविंग माहौल बनाएंगे, केयरिंग माहौल बनाएंगे, तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपको बकअप करेगी, आपको आपके ऐसा शो करेगी कि वो आपके पीछे है, तो याद रखें आप कामयाब होंगे। जब आप कामयाब होंगे तो कहीं भी चले जाएं, आपकी फैमिली की आपको सपोर्ट साथ रहेगी। हर वो बंदा कामयाब होता है जिसको उसकी फैमिली की सपोर्ट हासिल होती है। इसलिए अपनी फैमिली की सपोर्ट ले लें, जिसमें लविंग माँ बाप है, लविंग बीवी है और लविंग बच्चे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग हंसे मत, जाहिद, अबू बकर, नदीम साहब आप भी, अजय और राहुल आप भी सुन लें मेरी बात, ये हर किसी की लविंग फैमिली है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह रहा कि मैं कोई नंबर बना लूं अपने बीवी बच्चों के सामने। नहीं ऐसा नहीं है, ये देखें आप सबका है, मैं माइक उधर नहीं ले जा सकता, लेकिन ये है कि ये सबका ऐसे ही है। जब आप एक लम्हे के लिए सोच लें, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में टेंशन है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सुबह उठना, कपड़े प्रेस मिलना, ये सारी चीजें, ये आपको आपकी बॉडी को जो है ना, जो नेवर गिव अप पोजीशन में लाया जाता है, इसमें पीछे भी किसी का हाथ होता है। वो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है ना, वो हमारी हैप्पी फैमिली करती है, लविंग फैमिली करती है। इसलिए याद रखें कि लविंग फैमिली जरूरी है। अच्छा जी, मैं अपनी दोबारा वापिस आता हूं, अपनी दोबारा अपना इसमें कि नेवर गिव अप पोजीशन, नेवर गिव अप पोजीशन के लिए देखें, गुर्बत कोई मैनी नहीं रहती। ये मुझे पीछे पोस्टर नजर आ गया, नेवर गिव अप में गुर्बत कोई मैनी नहीं रखती,
ऐसा नहीं है, क्योंकि नेवर गिव अप बॉडी की जो पोजीशन है या हमारी दिमाग की जो पोजीशन है, इसके लिए सिर्फ आपका दिमाग का मजबूत होना जरूरी है, सिर्फ आपका हार्ड वर्कर होना जरूरी है, आप में नॉलेज होना चाहिए, आप में चैलेंजेस कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए, आप में नेवर गिव अप किसी के ऊपर इन्हसार ना करने की ताकत होनी चाहिए, आप में क्विट ना करने की सलाहियत होनी चाहिए, आप में सिचुएशन को बदलने की, सिचुएशन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने की ताकत होनी चाहिए, आपको लविंग फैमिली की जरूरत होती है, दिमाग को सर्वेंट के तौर पे कबूल करना करना इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये जब पोजीशन होंगी तो देखें गुर्बत कोई मायने नहीं रखती। हर वो कामयाब शख्स देख लें जो जितने भी आज तक कामयाब हुए हैं, नाम ब नाम मैं उठाता जाऊं, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15 ये तमाम के तमाम लोग जो थे ना, ये तमाम के तमाम ये नीचे फाइनेंशियली बड़े लो थे, लेकिन आज वो बस बफजले खुदा जो है वो कामयाब हुए हैं। कैसे कामयाब हुए हैं कि उन्होंने नेवर गिव अप सीखा है, अपने दिमाग को सिखाया है कि नेवर गिव अप, अपनी बॉडी को सिखाया है नेवर गिव अप, इन तमाम चीजों को सीखने के बाद ही वो लोग कामयाब हुए हैं। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में खुशी पैदा करें नेवर गिव अप के जरिए, अपनी जिंदगी में कामयाबी पैदा करें नेवर गिव अप के जरिए। जिंदगी में कामयाबी और खुशी करने के लिए देखें, एक तो नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल आया करें, और दूसरा जो है ना, अपनी तवज्जा जो है वो नेगेटिव सिचुएशन से की तरफ ना ज्यादा किया करें, आप अपनी जो है उससे सिर्फ एक्सपीरियंस लेके बाहर निकल के उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाया करें। तो ये चीजें अगर आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप लोग कामयाब होंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक चलती फिरती नेवर गिव अप होगी। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसके लिए आप इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें। आप लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, आप कमेंट करेंगे उसमें जैसा भी कमेंट करें मुझे खुशी होगी, जैसा मैं हूं वैसा कमेंट कीजिएगा प्लीज, तो मुझे खुशी होगी, मेरी तसीह हो जाएगी और मुझे एक बकअप मिल जाएगा, यस आई एम डूइंग राइट वे, आई एम ऑन राइट वे, मैं और हार्डवर्क करूंगा। लाइक कीजिएगा, सारा कुछ कीजिएगा, उसके बाद मेरी वीडियोस जो है इसके साथ आ रहा है, आपके सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दें, और उसके बाद एक साथ बेल आइकॉन लगा हुआ है, अगर बेल आइकॉन साथ दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए।